हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबको लेके आया हूँ फिर से हाजी अली का, हाजी अली दरगाह में। हमारे साथ सरपंच हैं और कैफ है, देखिए वहाँ पे जा रहा है कैफ। और ये देखिए हाजी अली, तो पिछली बार आप लोगों को दिखाया था तो पूरा वहाँ तक पानी भरा हुआ था, अब की बार पूरा जगह खाली है। चारों तरफ से आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाएंगे हाजी अली का। देखिए समुद्र का पानी बहुत दूर तक चला गया है। पिछली बार जब आए थे तो लगभग महीना हो गया है, तो वो तो पब्लिक आ रही है देखिए वहाँ रोड से, वहाँ से पूरा पानी भरा हुआ था, पूरा लहरें जा रही थी बारिश समुंदर की। तो आप लोगों को पूरा चारों तरफ से दरगाह का नज़ारा दिखाएंगे और समुंदर का कुछ नज़ारा दिखाएंगे। पत्थर इलाके हैं, देखिए कैसे कैसे पत्थर हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को पूरा दिखाएँगे यहाँ का वीडियो। तो आप लोग वीडियो पर एंड तक बने रहिए। आगे आगे चल रहे हैं, हम भी इनके पीछे ही हैं। ये देखिए कैसे पत्थर हैं, छेदा छेदा आए पत्थर में। पानी बहुत पीछे जा चुका है, कम हो गया है, लगभग शाम के 5-5.5 बज चुके हैं, पानी नीचे उतर चुका है। ये देखिए सारी पब्लिक पानी के किनारे पे ही है। देखिए कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग चारों तरफ से जहाँ तक पानी है किनारे में वहाँ तक पब्लिक मतलब आ चुकी है। जैसे जैसे पीछे बढ़ता जाता है पानी, वैसे वैसे पब्लिक पानी के पास होते जाती है। ये सरपंच हैं और वो देखिए कैफ वहाँ पे है। पूरा समुंदर की लहरें देखिए कैसे आ रही है, सूरज की चमक से दिख नहीं रहा है, लहर कितना सुंदर लग रहा है। देखिए हवा भी एकदम ठंडा ठंडा है, मौसम भी एकदम सुहाना लग रहा है। यहाँ पर सभी लोग सेल्फी में और नहाने में व्यस्त हैं। जाने के लिए इस बार वहाँ पे काम चालू है रास्ते में, वो देखिए वहाँ पे काम चालू है कंटेनर के पास। चलते हैं अभी और करीब में चलते हैं समुंदर के। तो दोस्तों ये देखिए समुंदर का ये कुछ नज़ारा ऐसा है करीब से देखने में, मतलब हवा चलती है तो इधर ही इसी तरह पूरा लहरें आती रहते हैं। देखिए यही नज़ारा है और ठंडा ठंडा हवा, लोग इसलिए यहाँ पे करीब में आके बैठते हैं। देखिए चारों तरफ से लहर, ये हवा की वजह से लहर आते रहती है। और ये हमारे जो सरपंच लोग हैं सेल्फी कर लेने में बिजी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर हैं और काई भी लगी है देखिए। तो यहाँ पे आए आप लोग तो थोड़ा संभल के यहाँ पे चलें और नंगे पैर ज़्यादातर ना चले, चप्पल ऐसा पहने कि मतलब चलें, क्योंकि यहाँ पे नंगे पैर भी चलोगे तो कट जाएगा पैर। ये देखिए कौआ भी देखिए सामने हम लोग के आगे बैठ गया। देखिए सारी पब्लिक चल रही है, क्योंकि मेरा पैर भी कट गया इसलिए बता रहा हूँ। तो काई भी है क्योंकि छलकता रहता है, तो आप लोग थोड़ा सावधानी से यहाँ पर चले। हाजी अली दरगाह के पीछे हम लोग बैठे हैं, आप लोग को दिखा दे रही है हाजी अली दरगाह के बाजू में पीछे उस साइड है, उस साइड भी अभी चलेंगे वजू करेंगे, वहाँ से आप लोग पूरा आप लोगों को पूरा दिखाएंगे।
तो दोस्तों ये है पीछे का नज़ारा हाजी अली दरगाह का। देखिए सारे लोग यहाँ पे पब्लिक जमा है पीछे में। ये देखिए मस्जिद, मस्जिद में यहाँ पे है। पीछे का ये कुछ नज़ारा है समुंदर का। देखिए शाम का वक्त हो रहा है, 6:30 बज चुके हैं, 7:15। सूरज का सनलाइट भी कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए सुंदर नज़ारा काफ़ी लग रहा है इतने समय शाम के वक्त भी। दोस्तों ये हाजी अली बाबा का दरगाह, ये है दरगाह शरीफ। ये हम लोग यहाँ पे फातिहा पढ़ रहे हैं। ये तो आप लोगों को दिखाया था पिछले वीडियो में, यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चालू है, अभी काम चल रहा है, तो इसलिए सब तंबू वम्बू लगे हुए हैं। वहाँ पे कुछ कव्वाली हो रही है, ये देखिए यहाँ पे कव्वाली हो रही है, कव्वाल साहब कव्वाल कर रहे हैं। ये कुछ सामने का, ये सामने का गेट जो बाहर से नाम लिखा हुआ है हाजी अली बाबा का, देख सकते हैं आप लोग। ये सामने से बाबा का दरगाह देख लीजिए, सामने से दिख रहा होगा साफ सुथरा। और यहाँ पे खाने पीने का कुछ सामान मिलता है, और यहाँ पे रहने का है आराम से, मतलब जिसके पास लेडीज़ के लिए टॉयलेट वॉलेट वहाँ पे है, सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है, बना दिए गए हैं यहाँ पे, मतलब हर चीज़ की सुविधा कर दिए हैं। आप लोगों को बोला था पूरा वीडियो दिखाऊंगा, तो आप लोगों को चारों तरफ से वीडियो दिखा दे रहे हैं, चारों तरफ का व्यू कैसा है आप लोगों को दिखा दिए। तो अभी दरगाह शरीफ बन रहा है, बनाया जा रहा है उसको, तो अभी काम चालू है, तो चलते हैं। अभी शाम हो चुकी है, हम भी चलते हैं अभी घर की तरफ, लोग चल रहे हैं। शाम हो चुकी है, 7:15 हो चुके हैं, मगरिब की अजान हो रही है। ये हाजी अली बाबा का दरगाह सामने से कुछ ऐसा दिखता है। अब चलते हैं हम लोग घर की तरफ। तो दोस्तों ये है हाजी अली के बाहर गेट का नज़ारा, देखिएगा कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है रात में, शाम के वक्त मुंबई, ये IPL का वो भी लगा हुआ है। चलते हैं, ये नीचे गेट जाने के लिए, इस गेट से जाते हैं नीचे और उधर गेट से निकलते हैं। देखिए वहाँ पे हरा वाला जो डब्बा दिख रहा है उसके बगल में, तो चलते हैं अब सीधा उल्लासनगर हम लोग।